अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। डाउनलोड कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप और वहां सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, या फिर स्क्रीन पर दिए गए लिंक unacademy.com/user/प्रतीक्षा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं मेरे कोर्सेज। तो डाउनलोड कीजिए अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। 12 साल बाद राजकीय कॉलेजों में पढ़ाई होने जा रही है और 18वें वर्ष पद सृजन होने जा रहा है। प्रदेश के चुनिंदा राजकीय इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए आखिरकार प्रवक्ताओं की नियुक्ति होने का रास्ता साफ हो गया है। खास बात यह है कि इन कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई 12 वर्ष बाद शुरू हुई, जबकि पद सृजन 18 वर्ष बाद होने जा रहा है। यही नहीं, पहले इन कॉलेजों में संविदा पर शिक्षक रखे जाते थे और अब मानदेय पर प्रवक्ता तैनात होंगे। सूबे में 2001 में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत हुई, उस समय कुछ राजकीय विद्यालयों में यह पढ़ाई शुरू हुई। 2012 में ICT योजना के तहत सभी राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर विषय को लागू किया गया और वहां कंप्यूटर लैब भी तैयार कराए गए। सभी कॉलेजों को 10-10 कंप्यूटर इस योजना के तहत दिए गए और संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति करके अब तक कक्षाएं संचालित कराई जा रही थी। अप्रैल में राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर का स्तर सुधारने के लिए कंप्यूटर शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से प्रस्ताव मांगा गया। उसी के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर प्रवक्ताओं की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया। अपरांत शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर मंजू शर्मा ने कंप्यूटर शिक्षा आज के समय की मांग है, इसी को ध्यान में रखकर कंप्यूटर प्रवक्ता रखने का प्रस्ताव भेजा था। अब 61 बालक राजकीय इंटर कॉलेजों व 69 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं की तैनाती होगी। तो जल्द ही GIC बालक और बालिका में प्रवक्ताओं की तैनाती होगी, तो आप तैयार रहिए कंप्यूटर विषय के लिए, कंप्यूटर से टीचर बनने के लिए, और तो आप तैयार हो जाइए कंप्यूटर के नोटिफिकेशन के लिए। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, शैक्षिक अर्हता आपको तभी पता चलेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ऑनलाइन स्टडी बाइट के साथ। ये है आपका अपना चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।